नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश में भीषण सर्दी और गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 14164 संगम एक्सप्रेस के एसी कोच में किसान यूनियन के नेताओं ने ट्रेन में सर्दी लगने पर आग जला ली। फिर क्या था, किसी यात्री ने उसका वीडियो बनाकर सीधे रेल मंत्री को भेज दिया। रेल मंत्री ने कार्रवाई के आदेश होते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हड़कंप मच गया। मौके पर डिप्टी और जीआरपी आरपीएफ पुलिस बल ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन को रोक लिया, चेकिंग शुरू कर दी। वहीं चेकिंग के बाद जीआरपी सीओ ने बताया कि संगम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशाल पाल आर्या और गौरव टिकैत किसान यूनियन के युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष अपने 100 से 150 समर्थकों के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी भीषण ठंड और गलन के चलते किसी ने अंगीठी में आग जलाकर सर्दी दूर भगाने लगे, जिस पर किसी ने वीडियो बना लिया और सीधे रेल मंत्री को भेज दिया। वहीं चेकिंग के बाद सीओ ने बताया कि ट्रेन में उनको किसी भी तरह के आग जलने के साक्ष्य नहीं मिले हैं और भारतीय किसान नेता यात्रा कर रहे थे, उनको दाद देकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया है। संगम एक्सप्रेस में सूचना आई थी कुछ लोग आग जला के हाथ ताप रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आरपीएफ और जीआरपी का सारा फोर्स इकट्ठा हुआ और गाड़ी जब संगम एक्सप्रेस आई, डिप्टी सीटीएम साहब भी थे, आशुतोष सर, सभी लोग पहुंचे वहां पर, तो आग जलाने जैसी बात कोई आई नहीं। वहां कोई था इस तरह का पाया नहीं गया, इस तरह आग नहीं जलाई जा रही थी। और डिप्टी सीटीएम साहब द्वारा भी बात की, किसान यूनियन के काफ़ी लोग थे, काफ़ी कम से कम 100-150 लोग थे डब्बे में। अवैध नशीले इंजेक्शन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। एसएसपी और शुनौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शुनौली पुलिस ने कार्रवाई की है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसे जेल भेज दिया गया। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुनौली बॉर्डर के समीप हरदीडाली गांव के पास सघन चेकिंग के दौरान एक तस्कर के पास से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायबरेली में आलू किसानों को ग्लोबल डेवलपमेंट एलियांस कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई, साथ में डिमोन्स्ट्रेशन कराया गया। आपको बता दें कि जगतपुर ब्लॉक के ग्राम सभा कजियाना में शिव भवन साहू के खेतों में पेप्सिको कंपनी के द्वारा तानिकी का डिमोन्स्ट्रेशन कराया गया और किसानों को बुलाकर वहां किसान मेले का आयोजन किया गया। साथ ही किसानों को आलू की फसल को लेकर तमाम सारी जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि किस तरीके से आलू की फसल को उपजाऊ बनाया जा सकता है और किस तरीके से ज्यादा पैदावार की जा सकती है। आपको बता दें कि पेप्सिको कंपनी के द्वारा मौजूद कर्मचारियों के द्वारा किसानों को किस तरीके से आलू की बुआई करनी है, किस तरीके से किस किस समय पर आलू में दवाओं का छिड़काव करना है, किस तरीके से आलू की फसल का रखरखाव करना है, इन सभी मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई। कानपुर में भूमाफिया 135 साल पुराने गौशाला सोसायटी में कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसकी शिकायत कानपुर पुलिस कमिश्नर के जनसुनवाई में गौशाला के पदाधिकारियों ने की। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने टीम बनाकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर जमीन कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया। मामला कानपुर में भौती गौशाला का दो थानों के अंतर्गत आता है, जहां एक तरफ सचेंडी थाना और दूसरी तरफ पनकी थाना क्षेत्र आता है, मगर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। वहीं सोसायटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कानपुर में सैकड़ों साल पुराना गौशाला, जिसमें कुछ अराजक तत्व कब्जा का निर्माण कार्य कर रहे हैं, कुछ ने तो गौशाला की जमीन पर भवन बना डाले, एक ने तो ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और कुछ लोग प्लॉट काटकर बेच रहे हैं, जो कि ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया गया तो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसकी शिकायत कानपुर कमिश्नर को लिखित ज्ञापन सौंपकर गौशाला की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की अपील की गई है। वहीं कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार ने हर संभव कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। कानपुर गौशाला सोसाइटी जो कि 135 वर्ष पुरानी है, उसके पास जो भूमि है उस पर अनाधिकृत लोग कब्जा किया करते हैं, और उसी की शिकायत को लेकर आज हम लोगों ने आयुक्त महोदय से मिले, पुलिस आयुक्त महोदय से, और पुलिस आयुक्त महोदय ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया और उन्होंने कहा अभी जाके कार्रवाई कराई जाती है और पूरी जो मौजूदा स्थिति है उसका अवलोकन करके वो कैमरे में कैद करके और एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ज्वाइंट ऑपरेट करके नाप करके हमें चिन्हित करके जमीन देने का काम करेगी। रायबरेली में शासन के देश पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। रायबरेली जिले में आबकारी विभाग ने 22 जनवरी को जिले के सभी देशी विदेशी मदरास मॉडल शॉप भांग सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इस बीच अगर कोई भी दुकानदार चोरी छिपे शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्रवर्तन कार्रवाई देखी जाएगी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी,
और उन पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। कौन कौन दुकानें इनमें शामिल हैं? सभी देसी विदेशी बियर माडा साहब भांग सब दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी नशा पत्ती कर वो नहीं, नहीं नशा 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 से संबंधित कोई भी दुकान नहीं खुली रहेगी। ये कितने दिन तक बंदी रहेगी? एक दिन खाली, 22 जनवरी को बंदी रहेगी। और खबर कासगंज के कस्बा पटियाली से, जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, योगी महाराज की सरकार में भी शिक्षा माफिया अवैध उगाही से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटियाली कस्बा के नरदौली बाईपास रोड स्थित श्रीराम यादव डिग्री कॉलेज का है। यहां प्रतियोगितात्मक परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए छात्र ने एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि कासगंज शहर के मोहल्ला नवाब निवासी छात्र अनवर पुत्र शमशुल का कहना है कि पटियाली के श्रीराम यादव डिग्री कॉलेज में बीएससी तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी है। वो सोमवार की सुबह रसायन विज्ञान की प्रतियोगियात्मक परीक्षा के लिए विद्यालय गया था। विद्यालय प्रबंधन टोनी यादव ने उससे प्रैक्टिकल के नाम पर 900 रूपये की मांग की है। रूपये न देने पर विद्यार्थी से अभद्रता की गई और धक्का देकर कॉलेज से बाहर कर दिया गया। इससे वो परीक्षा नहीं दे सका। उसने संबंध में एसडीएम पटियाली कुलदीप सिंह को प्रार्थना पत्र दिया है। एसडीएम से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोगा में चर्चित गोलीकांड का खुलासा हुआ है। पीड़ित राज तिवारी ही गोलीकांड का आरोपी निकला। विपक्षी को फंसाने के लिए सनसनीखेज साजिश रची। भतीजे के दुश्मनों को जेल पहुंचाने के लिए बुआ संतोषी की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। गोलीकांड को अंजाम देने वाले आधा दर्जन अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार स्वाट सर्विलांस और शहर कोतवाली पुलिस बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सामद नगर इलाके का एक पूरा मामला है। सोनभद्र के ओबरा और चोपन थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर लगाए गए होर्डिंग्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यूपी मीडिया में सच गायब है। क्षेत्र के कई स्थानों सहित स्टेट हाईवे पर लगे होर्डिंग्स ने क्षेत्रीय जनमानस को आश्चर्यचकित कर दिया है। विभिन्न स्थानों पर लगे होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो वहीं जिले में अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए काम कर रहे संवाददाताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। जिले में काम कर रहे पत्रकार संगठन ने ऐसा जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की माने 2024 के चुनाव को देखते हुए किसी मीडिया संस्थान द्वारा अपने आप को सच का रहनुमा बताते हुए कुछ इस तरह के पोस्टर होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। उनके द्वारा एक वीडियो संदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बताया जा रहा है कि एक मीडिया संस्थान को जिले में लॉन्च करने से पहले लोगों में सस्पेंस की स्थिति खड़ा करने को लेकर ऐसे वीडियो संदेश होने से लगवाए हैं। मतलब साफ है, मकसद कंट्रोवर्सी ही है। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में श्री गणेश रामलीला समिति द्वारा 13 दिवसीय भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला कलाकारों सहित सभी पात्रों द्वारा सुंदर अभिनय किया गया। रामलीला के अंतिम दिन राम द्वारा रावण का वध किया गया। राज तिलक के साथ रामलीला का समापन भी होगा। आपको बता दें कि श्री गणेश रामलीला समिति द्वारा आजकल गुलाब राय मैदान में दिन में रामलीला का सुंदर मंचन किया जाता है। आज 12वें दिन श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और श्री राम द्वारा अधर्म के मार्ग पर चल रहे अहंकारी रावण का वध किया गया। इस दौरान यहाँ मौजूदा दर्शकों की भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। लक्ष्मण सीता का जोरदार स्वागत हुआ। दर्शकों ने रामलीला मंचन का आनंद लेते हुए सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। रुद्रप्रयाग पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। विभागीय प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान गढ़वाल सांसद ने सड़क निर्माणाधीन संस्था PMGSY, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि, NRLM
विभागों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों और पुलों के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देश दिए हैं कि नारकोटा और पपरासू के समीप बन रहे पुलों का कार्य धीमी गति से चल रहा है, कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर इसे संबंधित एजेंसी और ठेकेदार द्वारा तत्परता से कार्य नहीं किया जाता तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत द्वितीय फेज के कार्यों की प्रगति समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम और जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि द्वितीय फेज में जो भी गांव आदर्शित नहीं हुए हैं उन गांव को पेयजल से आदर्शित करना सुनिश्चित करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के स्थानीय लोगों और एनसीसी के छात्रों के साथ मिलकर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ खुद झाड़ू चलाकर किया। मौके पर तमाम स्वसेवी भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सांस्कृतिक उत्सव 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाया जा रहा है, इसलिए प्रतिदिन शहर के अलग अलग मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम के पर्यावरण मित्र सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ रखने में लोगों से सहयोग की अपील भी की है। देश के चर्चित अंकिता भंडारा हत्याकांड में कांग्रेस फिर से सड़क पर उतर आई। कांग्रेसी अंकिता भंडारी न्याय पद यात्रा ऋषिकेश में निकाली। न्याय पद यात्रा रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू होकर त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर पहुंची और खत्म हुई। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी गणेश बोदियाल सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि घटना के सवा साल बीतने के बाद भी सरकार ने आज तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया है। अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले आरोपियों की कार्रवाई भी कोर्ट में सरकार धीमी गति से चला रही है। इसका केवल यही मकसद है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और सरकार आरोपियों को बचा सके। कांग्रेस लोकसभा प्रभारी गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी पार्टी धामी सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। जब तक पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस समय समय पर सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शित करती रहेगी। कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर और मुंबई तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये चरण उन्होंने शुरू किया है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। उसमें उन्होंने संदेश दिया कि पूरे देश में जहां जहां लोगों को सरकारों से न्याय की उम्मीद हो और सरकारें जानबूझकर अन्याय कर रही हो, अपनी आवाज को बुलंद करिए। आज की हमारी ये महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश की ये पदयात्रा, ये उसी यात्रा का एक छोटा सा रूप है और उसी यात्रा को समर्पित है कि यहाँ की सरकार जानबूझकर अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचा रही है। किसी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन सरकारों का किसी अपराधी को बचाना ये उससे भी बहुत बड़ा निंदनीय है और बहुत ही दुखद सरकारों के द्वारा किया गया है। टिहरी के मोनिकरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत जमोला गांव में 63 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञान सिंह की हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके छोटे भाई गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया। गोविंद सिंह को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। पुलिस का दावा है कि ज्ञान सिंह शराब के नशे में गोविंद सिंह के साथ गाली गलौज करता था, इसलिए गुस्से में आकर गोविंद सिंह ने अपने भाई ज्ञान सिंह को घर में अकेला पाकर हथियार से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गोविंद सिंह पुलिस से बचने के लिए मौके से फरार हो गया। जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रितेश शाह और एसआई योगेश पांडे की टीम ने हत्या में इस्तेमाल वसूली और खून से लथपथ कपड़े और लकड़ी के फट्टे बरामद किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सेवा से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में देश के लिए खुद को कुर्बान करने में लोग गर्व का अनुभव करते हैं। उत्तराखंड ने ऐसे रण बांकुरे दिए हैं जो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। अब उनकी शहादत के बाद उनके परिजनों और बच्चों की देखभाल के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून स्थित पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। इस साल क्रिकेट टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है और इस बार राजौरी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए लांस नायक रुचिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए प्रोजेक्ट नमन के तहत शहीदों के परिवारों को और आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया। शहीद मेमोरियल टूर्नामेंट के माध्यम से धन जुटाने के अलावा शहीदों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने और उनकी नौकरी के लिए भी सहयोग प्रदान करने की बात कही गई। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों की 1.5 दर्जन टीमों ने भाग लिया। अभी तक क्रिकेट मैच का आयोजन दिन में किया जाता रहा है, लेकिन अगली बार ये आयोजन डे नाइट होगा। इससे पहले शहीद के परिजन भी काफी खुश नजर आए। इस टूर्नामेंट के जरिए शहीद की पत्नी को 50 लाख का चेक दिया गया।
अच्छा लगा। उन्होंने हमें, हम चमोली से हैं, उन्होंने हमें इतने दूर दराज से मतलब इधर बुलाया देहरादून यूनिवर्सिटी की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सम्मान मिला, इतनी बड़ी रकम दी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए फ्री कर दिया, जब बच्चा 12 पास करके मतलब एजुकेशन के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने फ्री पढ़ाई कर ली है एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी जी, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कदम उठा रही है, बहुत अच्छा लगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा कॉज हम कर क्यों रहे हैं, वो शहीदों के लिए। और ये 10 साल पहले एक जो विजन थी, ड्रीम थी कि इस प्रदेश के जो शहीद होते हैं हम उनको कैसे हेल्प कर सकें, तो वहीं से एक आइडिया शुरू हुआ था और 10वें संस्करण तक आ गया है। तो मेरे लिए कॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो एक कैश राशि के अलावा नारी होती है उनके जॉब के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो वो सबसे बड़ा मकसद था इसको ऑर्गेनाइज करने का। स्पोर्ट्स शायद एक बहाना हो जाता है उसको करने का, लेकिन काफ़ी अच्छा आयोजन रहा। और एक से एक टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 8 टीम्स थी और सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स की टीम काफ़ी स्ट्रांग टीम्स थी, और काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सारी टीम्स खेली। आपने देखा होगा मैच जीतने के बाद विनर्स और रनर्स अपने साथ में डांस किया, वो आई थिंक इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक तो ये है कि उनको हम इंकरेज करते हैं कि अगर वो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके बाद उनको लगता है कि वो UPS में जॉब भी करना चाहेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी उनको हम वो भी देते हैं। और उत्तरकाशी, जिसका अर्थ है उत्तर की काशी, भारत के उत्तराखंड का एक शहर। उत्तरकाशी, जिसको सौम्य काशी और शहर को शिवनगरी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक विशाल माघ मेले का 4th दिन है, जहां आए दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही इस मेले को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह है। लोग दूर दूर से इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए जनपद में पहुंच रहे हैं। पौराणिक माघ मेले में जनता के मनोरंजन के लिए प्रत्येक जनपद से आए सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें सांस्कृतिक का आदान प्रदान हो। ये जनपद का सबसे बड़ा मेला है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन इसे मनाया जाता है। नारायणबगड़ के देवपुरी गांव में एक काश्तकार की गौशाला पर सुबह आग लगने से बकरियां और बैल जलकर राख हो गई, जिसमें कुछ नगद जमा पूंजी और मोबाइल फोन भी जल गए। मिली जानकारी के मुताबिक देवपुरी गांव निवासी सरोप सिंह पुत्र आलम सिंह ने सुबह घर से टांडला तोप में गौशाला जाकर अपनी बकरियों और बैलों को चारा पानी देकर गौशाला बंद कर जंगल की तरफ चारा पत्ती लेने चला गया। ग्राम प्रधान संगीता देवी ने बताया कि सरोप सिंह की गौशाला गांव से काफी दूर है। जब ग्रामवासियों और अगल बगल के गांव से लोगों के फोन आए कि देवपुरी गांव के ऊपर जंगल में भारी आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ लेकर धुएं की ओर गए, तो देखा वहां तो सरोप सिंह की गौशाला जलकर राख हो गई। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मवेशी जल गए थे। पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में 19वीं प्रादेशिक अंतरजनपदीय वाहिनी वैज्ञानिक अनुसंधान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंटी साबोटाज और स्वान प्रतियोगिता महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से हरिद्वार पहुंची उत्तराखंड पुलिस की कुल 13 टीमों द्वारा मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा को बैंड की शानदार धुन और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मार्च पास्ट के साथ शानदार सलामी दी गई। इस दौरान मेजबान टीम के कप्तान द्वारा सभी प्रतियोगिताओं को संयम अनुशासन बनाए रखने की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा को SSP हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। वैज्ञानिक अनुसंधान, हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंटी सबोटाज डॉग स्क्वाड कंप्यूटर, इन सब को लेके जो हमारी एनुअल मीट होती है, हमारे स्पोर्ट्स मीट की तरह इसको हम लेते हैं, और हम यहाँ से सेलेक्ट होके जो जाते हैं वो फिर फाइनली नेशनल लेवल पे वो कम्पीट करते हैं, वो नेशनल लेवल पे वो मेडल जीतते हैं। पहले हमारे उत्तराखंड पुलिस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं, इस बार आज उसी के उद्घाटन में हमें आया था, जिसमें कि हमारे स्टेट की 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये आपस में कम्पीट करेंगे। इनमें जो बेस्ट होंगे उनमें से, यद्यपि विनर तो डिस्ट्रिक्ट होता है लेकिन इंडिविजुअल फिर सेलेक्ट किए जाते हैं उससे, और फिर वो इंडिविजुअल भारत में जो नेशनल जहां भी होगा वहां पार्टिसिपेट करेंगे। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के पवित्र तक बर्मन घाट में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में बरसों से चली आ रही अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। इस परंपरा के अनुसार नर्मदा नदी के बर्मन तट पर मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पंडाल आमने सामने लगते हैं। एक पंडाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं, तो दूसरे पंडाल में विपक्ष में बैठी पार्टी के नेता, और सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजना और अपने कार्य को
बखान करते हैं तो दूसरे में बैठी विरोधी पार्टी के नेता सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किसी तरीके से कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा है उसको लेकर विरोध करती है और तीखी नोकझोंक के चलते इस परंपरा को लेकर आज वर्तमान में नर्मदा तट के किनारे एक और बीजेपी की पार्टी का पंडाल लगा था, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का पंडाल। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखे। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार क्या कहा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित कांग्रेस नेता मनोहर लाल साहू ने भाजपा के सांसद और विधायक जिला अध्यक्ष ने एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए। कई वर्षों से निभाई जा रही है मकर संक्रांति, सभी को शुभकामनाएं, जिले वासियों को शुभकामनाएं। और सामने भाजपा के माननीय लोगों का पंडाल, सामने हम लोग उसके विरोध में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम उनसे कहते हैं आज मान रद्द तट पर आप ईमानदारी से करें, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है उस पर आप लागू करें। हम प्रदेश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। हमारे दो दो जिले में मंत्री हैं, चारों विधायक इनके हैं, आप इससे अपेक्षित है आने वाले अगले साल पर हम इसकी बात को लाएंगे। लेकिन सामने एक साल में आपने क्या उपलब्धियां दी, क्योंकि आज हम देखते हैं युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के नाम से शून्य है। स्मैक्स नरसिंहपुर जिले में बहुत धड़ल्ले चल रहा है। अब क्योंकि आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका से लेके आप सांसद तक आपके हैं, हम क्यों ना आपसे अपेक्षा करें कि आप नरसिंहपुर जिले को उज्जवल। गुजरात के जेएमबी ने ओखा बेट द्वारका में चलने वाली नौकाओं पर फिर जुर्माना लगाया। 10 नावों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, कम से कम 10 नौकाओं को 8 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुजरात मेरी टाइम पोर्ट ने अधिक यात्रियों को ले जाने वाले और पर्याप्त लाइफ जैकेट न रखने वाले, शर्तों का उल्लंघन करने वाली 10 नावों को 8 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जेएमबी की कार्रवाई से नाव मालिक घबरा गए। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसलिए देश और दुनिया में रहने वाले हिंदू अपने अपने घरों में दिवालियों में दीप प्रज्वलित करके दिवाली जैसा माहौल साझा करेंगे। इसके लिए द्वारका में शक्ति माटला भंडार के धीरज वेगड़ और पृथ्वी वेगड़ परिवार के द्वारा 1,00,000 से ज्यादा मिट्टी के दीयों का वितरण किया, क्योंकि लोग घर घर भगवान राम की प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या की तरह द्वारका नगरी भी दीयों से जगमगाए। गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री मुणुबाई बेरा की अध्यक्षता में वन जागरूकता केंद्र में स्थायी परामर्श समिति की बैठक हुई। गुजरात राज्य मंत्री मुकेश पटेल के अलावा विधायकों और आला अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित विभाग से जुड़े कई सवाल और उसकी सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की गई। वन और पर्यावरण विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग और खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। मतदान जागरूकता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने ईवीएम प्रदर्शन वैन लॉन्च की। राज्यभर में मतदाता जागरूकता के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम ईवीएम प्रदर्शन से सुसज्जित 40 वैन का प्रदर्शन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवाना हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी भारती ने ईवीएम के लाइव प्रदर्शन और ऑडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार में सड़क जाम कर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सरकुल थाना क्षेत्र में डेंसर चौक के पास कल हिंदुवादी संगठनों के कुछ लोगों ने गाय के अवशेष लेकर सड़क जाम की। हंगामा कर रहे लोग गौ हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर सरकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, साथ ही सड़क जाम करने वाले लोगों को चिन्हित भी किया गया। इसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको हम जल्दी ही चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और जिन लोगों ने अगर रोड जाम का प्रयास भी किया है उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर ये एक जगह पर मिला है, हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसके पीछे जो भी होगा उसे चिन्हित किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।